नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर या देखकर आपको भी लगेगा कि किस प्रकार से बदमाश लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। दो अलग अलग जगहों की दो घटनाएं हैं जिनके हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों में बदमाश प्रवृत्ति के जो कुछ लोग होते हैं उनमें जरा सा भी खौफ नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है कि वो लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक बारात आती है, हाईवे पर बारात गुजरती है, इस दरमियान एक दर्जन भर से अधिक लोग उस बारात की गाड़ी को घेर लेते हैं। सभी के हाथों में लाठी और हथियार होते हैं। बारातियों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ लूट भी होती है और उनके बदमाश खुद वीडियो भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। वो वीडियो के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम कितने बदमाश हैं और हम पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही। और जो दूसरी घटना है वो ऐसी घटना है कि लोग किसी गांव से गुजरते हैं तो उसी गांव के कुछ लड़के, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग गाड़ियों को रुकवाते हैं और खुलेआम उनसे पैसे मांगते हैं। हालांकि हम सब लोग कई बार ऐसी रिपोर्टें सुनते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे, इस दरमियान कुछ लोग आए, हमारी गाड़ी रुकवाई और हमसे पैसों की डिमांड की। कई बार तो सोचते हैं कि इस प्रकार की रिपोर्टें गलत होगी, लोग मुकदमे को मजबूत करवाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्टें करवाते हैं। लेकिन जब हमने आज ये वीडियो सुना तो उसमें साफ तौर पर सुनने को मिल रहा है कि पैसे निकालिए नहीं तो तुम्हें मार देंगे। दो इन घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आपने अब तक इस वीडियो को सुन लिया है तो इस घटना को भी आपको सुनना चाहिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। दरअसल पहली घटना पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। आज से करीब 10-12 दिन पहले एक बारात जैसलमेर जिले के डांगरी से बाड़मेर आ रही थी। इस दरमियान जालीपा और हरसानी फांटे के बीच में हाईवे पर दिन दहाड़े उस बारात की बस को रुकवाया जाता है और कुछ लोग लाठियों से लैस होकर उन पर हमला करते हैं। जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये बात भी सामने आई कि वो उनका सामाजिक मामला था, उनका कोई पुराना विवाद चल रहा था और ऐसे में मारपीट की गई है। लेकिन उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जिसके घर में शादी थी, जो व्यक्ति अपने बेटे की शादी करवाने के लिए उसकी बारात लेकर जा रहा था और बीच बारात में ये हो जाए। हालांकि उस व्यक्ति ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार उन बेखौफ बदमाशों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। और दूसरी घटना भी बाड़मेर जिले की ही है। बाड़मेर जिले के समदरी क्षेत्र के सांवरड़ा गांव के कुछ वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो में 3-4 बदमाश गाड़ियां रुका रहे हैं, एक पिकअप गाड़ी को रुकवाया, एक मोटरसाइकिल को भी रुकवाया और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर उस वीडियो में सुनने को मिल रहा है कि पैसे निकालिए वरना हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर पुलिस जांच तो कर रही है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि इस प्रकार के बेखौफ बदमाश कैसे हावी होते जा रहे हैं। क्या पुलिस नाम की चीज का कोई उन्हें डर नहीं? अगर डर होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते, साथ ही वीडियो बनाकर वायरल नहीं करते। दोनों घटनाओं के वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मेरे दोनों तरफ वीडियो चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन वीडियो में आवाज हम आपको इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि इसमें गाली गलौज की गई, वो सुनना आप लोगों के लिए ठीक नहीं, लेकिन ये सुनना आप लोगों के लिए ठीक है कि इस प्रकार के बेखौफ बदमाशों पर आखिर कार्यवाही कौन करेगा। क्या इस प्रकार के भोले भाले लोग बारात लेकर नहीं जा सकते? क्या किसी गांव के सड़क में से गुजर नहीं सकते? अगर गुजरने का अधिकार है तो क्या उन बदमाशों को ये अधिकार है कि वो मारपीट कर? अब देखने वाली बात होगी कि इस बदमाशों पर किस प्रकार से पुलिस
नकेल कसती हैं और दूसरे बदमाशों को ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि अगर इस प्रकार की घटनाएं की तो तुम्हारी खैर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।